Assalamualaikum guys, this is me Sida Vishashmi. Welcome back to my YouTube channel. और आज फिर यहाँ से धूप आई, आप सोच रहे होंगे कि मेरी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं इस जगह पे ब्लॉग बनाते हुए, तो सीन ऐसा ही होता है। आज फिर यहाँ से धूप आ रही है। अच्छा, सो हम ये बॉल जो है ना, मैं हर बार बचा लेता है, यहाँ आ जाते हैं धूप नहीं आती है। सो गाइस, माशाल्लाह 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 से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े गए, और इस बार जो है इस साल में हम लोग को माशाल्लाह से पूरे 30 रोज़े मिले हैं। मतलब पिछले साल ऐसा नहीं होता, उससे पिछले साल भी ऐसा नहीं होता 29 29 29, इस बार पूरे 30 रोज़े हो गए। और इस रमज़ान बहुत मज़ा आया, वैसे हर साल रमज़ान में जो होते हैं बहुत मज़ा आता है हम लोग को, और इस बार रोज़े भी पूरे गए और मज़ा भी बहुत आया। लेकिन इस बार पता है क्या सीन हुआ है, हमने दादी के ना एक भी रोज़ा नहीं खोला, बस 21 का रोज़ा खोला था, उसके अलावा एक भी रोज़ा नहीं खोला। सो इसलिए क्योंकि घर में हम लोग काम करना होता है ना, उस वजह से फिर आई नहीं। लोग नाराज़ भी हो गए, मेरी फुप्पो ही कॉल आई, तो मैं पता था कि मैं आई हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं। मैंने कहा ये मुझे बाकी नहीं पता था। फिर चाचू कॉल करते, मैंने कहा भी आए तो थे, किस वजह कह रहे हैं हाँ हाँ एक रोज़ा खोल गया, हम पे आसान किया है ना तुमने, तो मार के चली गई। इस वजह से इस सीन हम लोग का ना इस तरह ही हुआ था, घर में हम लोग इतने बिजी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो इस वजह से हमने वहाँ पर आता रोज़े नहीं खोले, और आज है चांद रात। हम लोग आज, आप लोगों को पता है रोज़े में जो है ना बिल्कुल रेडी होने का दिल नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को थकान बहुत होती है, बहुत थकान होती है। सो इसलिए फिर हम लोग होते हैं रात में चांद रात में कोई आया मुझे नहीं, मेरे घर में से कोई भी नहीं मिला, पापा आ गया तो वहाँ भागती डर गई। सो इस बार रात में चांद रात है, हम मैं लगाऊंगी मेहंदी, अपने खुद लगाऊंगी इस हाथ पे, तो उसको पता नहीं लगाऊंगी या नहीं, वो मैं किसी और से लगा लूँगी। उस हाथ तो मुझसे नहीं लगती है, उस हाथ में लगा लेती। सो इस बार मैंने नहीं लगाई थी कुछ दिनों से, एक हफ्ता हो गया, देखिए अभी छुट्टी है थोड़ी थोड़ी रह गई, इस वजह से नहीं लगाई थी, क्योंकि ईद तो मेरे हाथ ख़राब नजर आएंगे अगर लाइट कलर हो गया। मैंने पहले से लगा ली थी। सो अभी हो रही है ऊपर अफ्तारी की तैयारी, आज है आखिरी रोज़ा, बहुत दुख भी है ये महीना है बस वाला चार है, और खुशी भी है कि ईद आ गई है। सो हम लोग की शॉपिंग डन हो गई है, बट इस रात में हम लोग भाई एक ड्राइवर थे, हम लोग सुबह 8 बजे शॉपिंग करके आते चांद रात वाले। सो बस वही सीन है, अभी हम लोग जाते हैं ऊपर, अब तारी बन चुकी है, वो सपनी दिखाऊंगी, लाल दस्तखान दिखाऊंगी, पापा भी आने वाले हैं, और जो है बस अब चलते हैं ऊपर। यहाँ का मन, मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, वही सुनसान जो मैं बताती हूँ, बुरा से बुरा हाल, मतलब कोई बच्चे बच्चे नहीं है, कुछ खेलना वरना नहीं है, चल रहे थे ऊपर ऐसे। ये कैन की आवाज़ आ रही है कि पानी वाला आ चुका है, वो पानी देने आया है। सो इसलिए आपको सिर्फ कैन की आवाज़ सुनाई देगी और कोई वॉइस नहीं आएगी। तो चलते हैं ऊपर और जिसका खान दिखाते हैं, बाय बाय। और माशाल्लाह 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 से यहाँ पे जो है चांद भी दिख चुका है। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और गाइस, सुबह मैंने शूट किया था अपना व्लॉग, उसके बाद फिर मैंने दस्तखान का बनाया, उसके बाद जो रोज़े के बाद जो आपको थकान होती है ना, नींद की, वो नींद बहुत मज़े की होती है, उसमें फिर दिल भी नहीं चाहता कि आप कोई काम करो या कुछ उठ के कर सको। मैं वैसे ही हुआ मेरे साथ भी, मैं रोज़े के बाद मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया, अपलोड नहीं किया, एडिट करके प्राइवेट कर दिया था, फिर मैं पब्लिक कर देती हूँ। सो फिर मैं ब्लॉग एडिट करके ना सो गए, फिर मम्मा ने मुझे उठाया 11 बजे, चलो आज चांद रात है। हाँ चांद रात है, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। चांद भी नजर आया था, वो भी मैंने दिखाया था, वो मैंने उसी पर वीडियो बना दी थी, मेरे भाई ने कहा जरा जल्दी जरा चांद नजर आ गया, मैंने कहा अरे वाह। सो फिर मैं सो गई, फिर मम्मा ने उठाया जल्दी जल्दी रेडी हो, क्योंकि चांद रात है, मेरी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। सो मैंने कहा वो करने चल रहे थे, सो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने आपको कहा था कि चांद रात में हमेशा रात में रेडी होती हूँ, उससे पर रोज़े में हिम्मत बिल्कुल नहीं होती। सो इसलिए पापा जो है बाहर गए हैं, सो हम लोग उनके घर में वेट, वो आते हैं तो जैसे हम लोग फिर आपको दिखाएंगे कि बाहर चांद रात है और कैसा माहौल है। सबको बोलो चांद रात मुबारक, ऊपर देख के बोलो, पहले बोतल छोड़ो, बोलो चांद रात, चांद रात, चांद रात मुबारक, थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। इसको इसने सीख लिया, अच्छी बात है ना, सीख लिया। मेरे ब्लॉग में भी यही बोलते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोलने की। ये बोल देगी सब जब कैमरा लेके जाऊँगी, ये खड़ करके बोल देगी। सो मैं हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं। मैं आप लोग अपना आउटफिट दिखाती थी। सो ये मेरा आउटफिट है, तब का जब मैंने दादी के रोजे में पहना था। मम्मा ने कहा अब तुम वही पहनना, क्योंकि वो ये ड्रेस मम्मा का मुझे बहुत प्यार लग रहा था। सो उसने मैंने दोबारा ये पहन दिया। अब चलते हैं, वाकई में अब चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। सो गाइस, पापा आ चुके हैं और मैं कब से वेट कर रही थी, पापा आने देते। तो ये टाइम जो होता है ना 1-2 बजे का, उसमें लगती है हम लोग को भूख, क्योंकि हम लोग सहरी में अफ्तारी में कुछ खाते नहीं है। सो ये डिनर का टाइम होता है या फिर हम लोग डायरेक्ट सहरी करते हैं। तो इसलिए भूख लग रही थी तो मैगी बना ली, अब उसको खाएँगे। और पापा आ गए, मम्मा पता नहीं, अब मम्मा बोलेंगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पर ही बन रही है। पापा निकाल देना यार पड़ेगी मैगी, ठीक है। सो ना पड़ेगी मैगी निकाल देंगी, मैं अपनी मैगी खाती हूँ। और ये मैगी होती है रेड, तो वो होती है ना चटपटा, मैं उसको खा दी। मुझे दाल डाल के जो है उसके अंदर ब्लैक बना देती हूँ, उसमें नहीं खाती। ये देखें कितना स्पाइसी है। आओ क्या लाए हो, वॉच प्यारी लग रही है। अच्छा तुमने जो शर्ट पहनी हुई ना, इस पर जो सिग्नेचर है वो ऐसा चमक रहा है ना, वो है प्यारी लग रही है। ये क्या बदतमीजी होती है। अच्छा चूना डाला है, किसने डाला है। और यहाँ पे हो गए हमारी गाड़ी खराब, हम लोग यहाँ पे बैठ गए। क्या हुआ मम्मा गाड़ी में, पीछे। अरे यहाँ पे हसनैन कहाँ से आ गया। कार चलाना है, कार वाले भी है नहीं ना, खत्म करते करते खत्म करेंगे। और पापा यहाँ पे लेने गए हैं सुबह के शी कोरमा या खीर के लिए वो ड्राई फ्रूट। क्या ले रही हैं आप। गाड़ी के अंदर और मम्मी पापा गए मार्केट, थोड़ा सामान बेडशीट्स वगैरह लेने के हम लोग को। सो ये लोग गए वहाँ और मुझे नींद बहुत आ रही है, घर जाना है, फिर थोड़े से काम है, फिर उसके बाद और लॉ एक्सीडेंट होते थे, बच गया यार। सो गाइस हम लोग बहुत लेट आए आज शॉपिंग करने, 4 बजे आए थे और मॉल चले गए, मॉल तो पूरा बंद हो चुका। फिर मेरी जीन्स रह गई थी, मैंने शूज़ भी नहीं लिए अपने चक्कर में कि हम लोग लेट आए, उस वजह से फिर जो है ना मॉल भी बंद हो गया। हम लोग कितने बजे शॉपिंग करने आए, 4:30 बजे, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, मतलब करनी थी हम लोगों ने नहीं करी शॉपिंग, बस थोड़ा सामान ले लिया। पापा तो पापा की शॉपिंग रह गई थी, मेरे शूज़ और जीन्स रह गए थे, मेरी जीन्स मिल गए, शूज़ नहीं मिले। एनीवेज तो वो बाद में लेनी थी, इनके बाद ही पहने थे मैंने, पिकनिक के लिए लेने थे, सो मुझे इनके बाद ही पहनने थे। अभी ये लोग गए यहाँ पर, हम लोग बेडशीट्स वगैरह लेने थे, मम्मा पापा गए और पहले भी ये लोग गए थे, मैं गाड़ी में थी, अभी भी मैं गाड़ी में हूँ, मेरे दिल में नींद आ रही है ना मुझे। सो अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, मैं अभी दिखा देख के बता दूँ, टाइम हो रहा है
हैं 6:30 सुबह के, ठीक है, और यहाँ पे आप ट्रैफिक देख रहे हो शाम के बजे। नहीं नाड़े नहीं चाहिए भाई, हर कोई आगे बोलते है भाई भाजी नाड़े, मैं बोलती भाई मुझे क्या लेना, लास्ट का जायबा लेके मैं किस काम को, एक्चुअली हम लोग ले चुके भाइयों के लिए ले लें तो हम लोग ले चुके। सो बस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर शाम के बजे चांद रात का माहौल है इसको, सो बस अब चलते हैं और ये लोग आएंगे तो घर जाएंगे और फिर घर जाएंगे सुबह फ्रेंड करेंगे पापा। यहाँ पे आ रही मेरी भाई के बोल करके ऑल कह रहे हैं वो जल्दी आओ। हेलो क्या हुआ? अरे आए मुझे ये मार्केट नहीं चाहिए, एक मिनट। अरे भाई वाटर पम्प या करीमाबाद पे क्या करना है तुम्हें? कॉल ही कर दी बेचारे, और ये लोग सामान ले आए उसके साथ। तो गाइस मेरे भाई की जो है ना दोबारा कॉल आ रही है, मैं खाती हूँ स्पीकर ऑन कर। हेलो हेलो क्या हुआ? तुम्हारी शर्ट है तुम्हारी अलमारी में बेटा? यार पूरे शॉपर बना के रखकर आई हूँ, तुम लोग पागल के दुख कुछ दिखता नहीं है क्या? कॉल कट कर दिए, गुस्सा करना पड़ता है जब तंग करें तो गुस्सा कर लो थोड़ा। और ये लोग भी आ गए, उसके शोर लगा शोर लगा, बोल जल्दी बोल टाइम नहीं है। और इस पे लिखा हुआ है ईद मुबारक। हम लोग आ गए घर और बहुत पहले आ चुके थे। सीन हम लोग के साथ कुछ इस तरह हुआ है कि हम लोग की मेट नहीं आई थी पहली, इसको इसने क्या बोलते हैं वो क्या होता है चिल्ला मार दिया था। हाँ इसने पहले इसको जो है अपनी छुट्टी कर दी थी, हालांकि उसको करनी दूसरी तो चाहिए पहले तो करता कौन है, सो वो नहीं आई थी। तो फिर मैंने काम करा थोड़ा सा, मम्मा का हेल्प करवाई, सो फिर घर वाले को बेडशीट वगैरह जो रहे थे उसको बिछानी थी, सही से सेट करना था घर को, पूरा घर मैंने सेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी ईद के ब्लॉग में, वो भी जल्दी आएगा सो वो भी देखिएगा, ये वाला भी देखिएगा। सो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने ये ईद के ब्लॉग में, बाय बाय।